ماشي ماشي خير صافي بكر خير. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट शकील हैदर एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश है और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बखर नेटवर्क ने हमेशा से कोशिश की कि जब भी बखर में कोई तब्दीली आए, जब भी बखर में कोई प्रोजेक्ट आए, जब भी बखर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आए तो बखर नेटवर्क सबसे पहले आप तक तमाम मालूम पहुँचाने की कोशिश करता है। और आज भी एक पाइप फैक्ट्री है जिसका इफ्तिताह किया है एम पी ए आमिर अनायत खान शाहानी साहब ने, जो सीवरेज के लिए जो लाइन बिछेगी उसमें वो पाइप डाले जाएंगे। इस हवाले से बात करते हैं शाहानी साहब से और वो सवाल भी करने की कोशिश करेंगे जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस पाइप फैक्ट्री के बनने के बाद जो सीवरेज का काम है उसको मज़ीद कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये बखर सिटी सीवरेज, बखर पूरा शहर है, उसकी जो हदूद है कमेटी हदूद की, ये मनसूबा जब मुकम्मल होगा उससे एक तो पूरे शहर को फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ जगहों से ये सवाल किया जाता है और कन्फ्यूजन एक फैलाई जाती है। ये कोई एक मोहल्ले की स्कीम नहीं है, ये कोई एक गली की स्कीम नहीं है, ये 1 बिलियन 1 अरब रुपए की स्कीम है और पूरा बखर शहर इससे मुस्तफीद होगा। दूसरा आपका सवाल ये है कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा? जी, ये इंशाल्लाह इस पाइपलाइन ये जो फैक्ट्री है इसके बाद, ये फैक्ट्री लगने के बाद ज़ाहिर है इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। हमारा जो मोहतात अंदाज़ा है ये 2021 में किसी टाइम इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा। जी ठीक है, 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कम आने वाले वक्त में और क्या दे रहे हैं बखर वालों को? देखें जी, अभी जो बेसिक्स हैं जी, हम जा रहे हैं जी बेसिक्स की तरफ, मैं और डॉक्टर साहब जी, तो बेसिक्स तो हमारा सबसे बड़ा इशू तो बखर सिटी की सीवरेज है जी। उसके बाद जैसे कि आप तक मैं खल पहुँच गया होगा, हमारे ग्रुप ने मंजूर कराया जी हमारा इथल यूनिवर्सिटी जी, ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसका संगे बुनियाद भी है। अच्छा, थल यूनिवर्सिटी ये सरकारी स्कीम नहीं है कि हर ज़िले में मंजूर की जा रही है? झंग के लिए भी हुई है, लैया के लिए भी हुई है, मियांवाली के लिए भी हुई है, तो ये तो स्कीम का हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी, ये हम इस प्रोसेस पे 2016 से लगे हुए हैं जी, ठीक है। इस दौरान अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर भी देती है उससे हमारी एफर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छी बात है जी, गवर्नमेंट हर ज़िले में बनाए, लेकिन हमारी तो एक जद्दोजहद चल रही है 2015-16 से जी, ठीक है, और वो पाइपलाइन में आई है, तो हम तो चाहे सबका अदवार में थे चाहे इस उसमें, हम मुसलसल कोशिश करते रहें और इसी की अगली कड़ी है हमारा इंशाल्लाह। जब ये यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा तो हमने प्लान किया हुआ एज अ ग्रुप कि हमने नेक्स्ट टाइम मेडिकल कॉलेज के लिए फिर एफर्ट करनी है, तो अभी हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। बाकी ज़ाहिर है जी, जो मुखालफीन हैं वो तो यही कहें, उनको तो ना सीवरेज नज़र आनी है ना उनको यूनिवर्सिटी नज़र आनी है जी। और अगली बात ये करूँ जी, नेक्स्ट मंथ हमारा हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग है जी सिटी हॉस्पिटल की, उनको वो भी नज़र नहीं आनी जी, तो जिसको कुछ नज़र नहीं आना जी उनके लिए तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ज़ाहिर जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे उनको सब कुछ नज़र आ रहा है जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे मुखालफीन को? देखें जी, हमारी सियासत हमें इजाज़त नहीं देती कि हम किसी पर तनकीद करें। अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे आपको कि वो कोई एक मनसूबा इस पैमाने का वो एक दिखा दें जी, हम दोनों अगर वो सरगोधा यूनिवर्सिटी दिखा दें तो सरगोधा यूनिवर्सिटी जी बात यह है जी कि दिखा दें जी, वो ज़ाहिर है उनके वो कहें कि वो कैंपस उन्होंने मंजूर करवाया था। दुनिया में बातचीत एंड में जब टेबल टॉक होती है तो डॉक्यूमेंट्स पे होती है, तो यकीनन वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, हम भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे और पुराने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देंगे, नए डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देंगे, ठीक है, और उसमें हम तीनों के नाम भी दिखा देंगे और उस पर लिखी हुई तारीख भी दिखा देंगे। वो नाम दिखा सकेंगे अपने? ये तो आप उनसे पूछें जी जिन्होंने ये दावे किए हैं जी। हम तो जो चीज़ है हमारी तो पेपर वर्क के साथ और हर चीज़ के साथ आपको दिखाएंगे, तारीख के साथ दिखाएंगे, ज़बानी जमा खर्च हमारा नहीं होगा जी। बखर की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? देखें जी, इंशाल्लाह मैं तो ओवरऑल देखें जी 2020 को स्पेशली NA98 के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ जी, ठीक है। आप मज़ीद दुआएँ करें हमारे लिए जी, और यहाँ पर आए हुए लोग वो मोहब्बत के साथ आए हैं जी, हमने एक नया कल्चर मुतारफ़ कराया डेवलपमेंट का जी और इस इलाके की फलाह का, तो वो आपके सामने नज़र भी आने लग जाएगा और नज़र आ भी रहा है। हमें दूसरी दफ़ा ज़ाहिर है जी 13 और 18 में हम दोनों को
डॉक्टर साहब को भी और मुझे भी पहले से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो ज़ाहिर है लोगों ने कुछ देखा है, किसी उम्मीद के साथ हमें वोट दिया, तो उन लोगों का हम जितना शुक्रिया अदा करें और अपने इलाके के लिए जितना कर सकें वो बहुत कम है। डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस स्कीम के बारे में उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सब सवाल पूछें जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ और जिनके जवाब डॉक्टर साहब ख़ुद भी देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ इस स्कीम के हवाले से क्या तासुरात हैं आपके? चलो पहले तो मैं आपका शेर सुना दूं। शेर सुना दें कि मंत की दौर आ गया है, अदीब दी गहल कौन सुन दे। मंत की दौर आ गया है, अदीब दी गहल कौन सुन दे। इथा परस्तार सेज दे हिन, सलीब दी गहल कौन सुन दे। कोई शहर होवे या होवे सहरा, गरीब की ते तकर बला है। कोई शहर होवे या होवे सहरा, गरीब की ते तकर बला है। गरीब भावे हुसैन होवे, गरीब दी गहल कौन सुन दे। डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान, आमिर खान मेरी और गजनफर की सियासत का महवर यही है कि हम गरीब की बात सुने और गरीब के लिए काम करें और उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो कुछ हो सकता है हमसे वो करें। ठीक है। और हमारे जितने मंसूबे हैं ये इसी के गिर्द घूमते हैं कि हम अपने इलाका की आवाम को, हल्का की आवाम को, जिन्होंने दूसरी बार हम पे एतमाद किया और दूसरी बार इतनी अक्सरियत से यहाँ हमारे हलके का रिवाज रहा है, ज़िले का रिवाज रहा है कि दूसरी बार किसी का मुंतखब होना कंजेक्टिव नामुमकिन रहा है या मुश्किल रहा है, लेकिन हम अपने हलका की आवाम के इन लोगों के तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने दूसरी बार कंजेक्टिव हमें जितवाया है, हमें वोट दिया है, हम पे एतमाद किया है। हम उनकी जितनी भी खिदमत करें, जितने भी मंसूबे लें, जो कुछ भी कर लें, हम उनकी नौकरी करें, गुलामी करें, फिर भी समझते हैं कि ये कम है, हमें इससे भी ज़्यादा करना चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके की तरक्की के लिए करना चाहते हैं। बाकी क्रेडिट सियासी होते हैं कि जो कहते हैं ये किया, हर किसी को पता है कि कौन क्या कर रहा है। जिन लोगों ने अपने 25 साल दौरे हुकूमत में, दौरे इकतदार में एक डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया, जो यूनिवर्सिटियाँ कहाँ से बनवाएंगे? जिनकी जो सारी ज़िंदगी तालीम मुखालिफ रही हो, उन्होंने तालीम के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? जिनकी सारी ज़िंदगी, सारी सियासी ज़िंदगी लोगों को लड़ाने भिड़ाने में और थाना कचहरी में गुजरी हो, वो तरक्की का कब सोचते नहीं। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने सुलह तो करवाई है ना। देखिए जी, सुलह हो अच्छी बात है, हमने उसकी तारीफ़ की है। हम हमेशा हमारे दोस्त की अगर सुलह किसी दुश्मन के पास भी होती है, हम कहते हैं चले जाओ, सुलह अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा हमारी मंतक है, हमारा असूल है कि हमने इन गरीब लोगों के वसायल थाना कचहरी में ज़ाय नहीं करने। ठीक है। हमें सियासी नंबरबाजी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोगों की भलाई चाहते हैं, हमने कभी सियासी नंबरबाजी नहीं की, चाहे वो किसी तरह से होती हो, ज़िला बखर के हमारे हल्का के अवाम की भलाई होती हो, हम कोई हमारा मुखालिफ लोगों की भलाई करने के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए चलना चाहे, हम उसके साथ भी कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए। दरिया खान के एमपीएस साहब हों या झंडावाला के एमएनए साहब, अगर वो भी आपके साथ बखर की तरक्की के लिए चलना चाहेंगे, वेलकम करेंगे? किसी से बखर की तरक्की के लिए किसी से इख्तलाफ नहीं है जी। हम बखर की तरक्की के लिए अपने हर सियासी मुखालिफ के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बखर की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी कॉलेज को रोक दिया जाए, हम वो लोग हैं कहते हैं कि उनको एक कॉलेज दिया तो हमें दो कॉलेज दें, क्योंकि इसी ज़िला बखर में बनने हैं। हमने कभी कोई तरक्याती मंसूबा रुकवाया नहीं है, चाहे उसका क्रेडिट किसी को जाता हो। आपने कहा कि ये सीवरेज का जो इशू था, जब आप सॉल्व कर रहे थे पिछली हुकूमत के अंदर, तो बहुत सारी रुकावटें आती थी, और कौन थे वो लोग जो रुकावटें डालते? नहीं, फिर भी आज किसी को पता, मैं क्योंकि हम हमारी आदत है कि हम सियासी अपने सियासी मुखालफों पर तनकीद नहीं करते, यानी कि सियासी मुखालिफ ही थे, कोई होगा मतलब जो भी था वो बखर के लोगों का मुखालिफ था, जो भी इसमें रुकावट बना रहा, क्योंकि बखर शहर की, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी इसी सीवरेज स्कीम में, उनकी आसूदगी इसी सीवरेज स्कीम में। जब तक हम ये सीवरेज स्कीम मुकम्मल नहीं कर पाते, बखर का कोई तरक्याती काम कारगर नहीं होगा। गलियों में पानी खड़ा होगा, फिर सड़कें बनाएंगे, डूब जाएंगी, टूट जाएंगी। तो जब तक ये सीवरेज स्कीम नहीं बनती, ये अहम जुज था, और वो लोग जब उनके इक्तदार रहे हैं 25 साल, यहाँ नक्शा ही नहीं है सीवरेज का, शहर का है नक्शा नहीं है, तो उन लोगों से आप क्या तवक्को रख सकते हैं जिन्होंने एक एक गली में चार चार सीवरेज लाइने लेके तो बिल ले गए हैं लोग, नक्शा नहीं है। बखर का पानी पिछले 20 साल बखर शहर के अंदर घूमता रहा, बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है।
आपने कहा, आपने अपने स्पीच के दौरान कहा कि हमने कारपेट रोड बिछाए और जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ बिछाए, लेकिन ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रश वाला रोड है दरिया खान टू बखर और जगह जगह से टूट फूट का शिकार। एक बार पहले आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वो कारपेट रोड मंजूर था, उसके फंड भी आ गए थे, पिछला ठेकेदार जो था वो भी एक बासर आदमी था जिसका ठेका था, को जानते हैं कि पिछली सियासी तौर पे बासर था, पिछली हाँ पिछली गवर्नमेंट में भी वो MNA था, अब भी MNA है। अच्छा, इस वक्त भी वो सीटिंग MNA है जिसका ठेका था, तो कुछ उसके महकमे के साथ और वो कुछ अरसा कुछ चीज़ें रह गई हैं उसकी, अभी तक वो महकमा और वो आपस में झगड़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो बन जाएगा ज़रूर, क्योंकि वो तो मंजूर है, अप्रूव्ड है वो, अगर उनकी अब लिटिगेशन मेरे ख्याल में शुरू है तो जैसे वो होता है हाल मसला वो बन जाएगा, उसके तो फंड्स भी आए हुए हैं। ठीक है, तो वो इसलिए मैंने कहा था कि मुझे उस वक्त नवीद मिली थी कि शायद उनकी और कोई महकमा की सेटलमेंट हो गई है तो वो बन जाएगा, लेकिन वो पहले से मंजूर है, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा और हमारी कोशिश होगी कि हमारी तो जो काविश है, ये जो मंसूबे हैं कोई जेब से तो अपनी बना नहीं सकता, यही होती है कि हम मेहनत करते हैं अपने लीडरों की, जाके आप लोगों के लिए जैसे भीख मांगनी पड़ती है, भीख मांग के लाते हैं, जो पैसे मिलते हैं फिर उसके हम तरक्याती काम। थाना कचहरी की सियासत ख़त्म कर दी है आपने, क्या कहना चाहेंगे, कौन करता था थाना कचहरी की सियासत? जो भी करता था, रिवाज रहा है यहाँ पे, हर किसी को पता है कौन करता था कौन नहीं जानता कि कौन यहाँ थाना कचहरी की सियासत करता था, कैसे होते रहे पर्चे यहाँ पे, क्या होता रहे, तो वो अल्लाह ताला उनको अजर दे अपने कामों का, अल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं लोगों की भलाई की, हमें भी अजर दे उसका, और अल्लाह हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ हो, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ हो, ताकि हम इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, इन लोगों के लिए हम काम कर सकें, इन लोगों के मसाइल को काम कर सकें, क्योंकि इतने मसाइल हैं इस ज़िला के, ये पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है राजनपुर के बाद। ठीक है, क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लास्ट में, मैसेज दे दें आवाम के लिए? एक बात आपने सवाल किया कि अभी उसका आठ यूनिवर्सिटियाँ का ऐलान हुआ है ना, उसमें आपका ज़िला भी है, जी जी जी, पूरे हर ज़िले में नहीं हुआ, हुकूमती 8 यूनिवर्सिटियों का ऐलान हुआ है जिसमें आपका ज़िला भी है, तो इसका मतलब है इस हुकूमत ने जो पहला ऐलान किया है, पहली 8 यूनिवर्सिटियों का ऐलान किया है उसमें बखर सर फहरिस्त है, तो इसका मकसद है कि हमारी काविशें हैं तो बखर सर फहरिस्त है, वरना अगर पहले 8 में बखर ना होता तो फिर हम पीछे रह जाते, तो इसका मकसद है हमारी काविशें हैं, हमने लोगों से कहा है, मैं अपना वज़ीर आला से कहा, वज़ीर आज़म से कहा, हम उनके मशहूर हैं, झंग अपना MM रोड का मसला है वो ऐलान हुआ है, उसके लिए फंड्स आ जाएंगे, ग्रेटर थल कैनाल के लिए 23 अरब रुपए के फंड्स रखे गए, यानी कि ये बड़े मंसूबे हमारे थल यूनिवर्सिटी इस बजट के मंसूबे हैं, थल यूनिवर्सिटी अरबों रुपए का, MM रोड अरबों रुपए का, ग्रेटर थल कैनाल अरबों रुपए की, ये कोई छोटे मंसूबे नहीं है, MM रोड है बिल्कुल ऐलान हुआ है, उसका मकसद है इंशाल्लाह ताला वर्किंग हो रही है, काम शुरू होगा इसी साल, तो मतलब और दो रोया वो मोटरवे से भी ज़्यादा MM रोड बन रहा है, क्योंकि मोटरवे पे आपको 25 किलोमीटर बाद एक्सेस मिलता है, ये आप जहाँ से आप बैठे होंगे चाहे फैक्ट्री लगा दें कुछ लगा दें उसके किनारे वहीं से चढ़ जाएँ, तो मकसद है ये बड़ा MM रोड होता है, और ये जो एक्सप्रेस वे है ये मोटरवे से ज़्यादा MM, मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि आपको हर जगह से एक्सेस मिल रही है रोड पर चढ़ने की, आपको 25 किलोमीटर का चक्कर नहीं काटना पड़ता, तो ये मकसद है, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर क्रेज़ी करनी पड़ती है, और शुक्र है खुदा का कि कोई ज़ाती लालच नहीं है, आम मेरा और मैं बैठे हैं, हमारा पूरा ग्रुप है, कोई बंदा उंगली उठा के नहीं कह सकता कि एक पैसा इन्होंने कहीं से, आप पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता कि आपने एक पैसा भी खाया आवाम का, कोई कह ही नहीं सकता, करप्शन नहीं किया, पता है उनको कि भाई इन्होंने नहीं की, ठीक है, हमारे दामन साफ हैं, अल्लाह का शुक्र है अपने हाथों से मजदूरी करके हक हलाल की खाते हैं, अल्लाह ताला उसी में बरकत डालता है। नाज़रीन, आपने MPA आमिर इनायत खान शाहानी साहब की गुफ्तगू भी सुनी और डॉक्टर साहब की बातें भी सुनी, इनका यही कहना है कि बखर की आवाम के लिए जितने प्रोजेक्ट्स ला सके, जितनी जल्दी ला सके उतनी जल्दी लाएंगे, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।